ये स्मार्ट ई बुक है, ये हिंदी में भी होगा और हमारी टीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट, तो सबके प्रयासों से जो 9 महीने में हुआ, व्हाट वी आर डिलीवरिंग आफ्टर 9 months इज द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज इट। अभी शुरू करो, मैं थोड़ा सा ये प्रीफेस तो हो गया, यू विल रीड इट and you can hear it. This smart book is an audio book also, so specially abled children and people can listen to it, and anybody who doesn't want to say read but listen, it is available to him. Ha, vision is, ye kahan hai aapka book, kahan hai is it? हाँ, एक मिनट, वो आवाज मत करो, मैं ही बताता हूँ। हमने 3 बातें नहीं कही है। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह हमारा विजन है। डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन, यह हमारा विजन है। ग्रोथ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन साइमल्टेनियसली, यह हमारा विजन है। और ग्रीन ग्रोथ, यह हमारा है। और पॉवर्टी इरेडिकेशन इसमें इसलिए लिखा है कि पॉवर्टी इरेडिकेशन भी, जैसे उस समय इंदिरा जी ने कहा था दुनिया के प्लेटफॉर्म पे कि पॉवर्टी इटसेल्फ इज ए एनवायरमेंटल डिजास्टर। और मिशन जो है नेक्स्ट, हाँ वो इम्पोर्टेंट है, क्लीन वाटर, क्लीन एयर, क्लीन एनर्जी, क्लीन एनवायरमेंट, मोर ग्रीन। सो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको पता है शुरू हुआ है, फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, CRZ क्लियरेंस, और इसमें 2200 एप्लीकेशंस अभी प्रोसेस में है और वो ट्रैक कर सकते हैं फाइल मूवमेंट। अर्लियर फाइल मूवमेंट वाज अनट्रेसेबल, यहां प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फाइल मूवमेंट भी ट्रैक कर सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डिफेंस के आपको जैसे पहले बताया, हमने शुरू ही किया डिफेंस से और उसका पॉलिसी था कि अगर देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा, और इसलिए 6000 किलोमीटर के बॉर्डर रोड्स और 100 किलोमीटर सीमा से सारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमने जनरल अप्रूवल डाला। लोगों को एक गलत फहमी है कि इसका मतलब उनको पर्यावरण के जो निर्बंध है उससे मुक्त किया, नहीं है। वी हैव नॉट डाइल्यूटेड ए सिंगल कंडीशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंडीशंस विल बी द सेम, द प्रोसेसेस वेयर कॉजिंग डिले have been eliminated and now it's a general approval with standard guidelines. Then that the same benefit has been extended for road sector in 117 left-wing extremism districts और सीबर्ड जैसे project भी किए। Next, हाँ सबसे बड़ा निर्णय and it has started working, giving results. For reforestation projects, earlier they used to say forest diversion, we have renomenclated it, now we say reforestation, because every tree cut there will be 2 or 3 fold more trees coming up, so it's a reforestation. And 90% of the files were coming to central ministry were of 40 hectares and below. So those powers have been given to regional empowered committees which are made multi-stakeholder. So states are now not project proponents but they are members of the committee. The experts, scientists, the regional office, and there are 3 expert members who are also there. So that's, it's a big step towards decentralization and fast tracking the projects. Again, no dilution of any condition. Linear projects fast track to boost infrastructure. Linear projects like pipeline, transmission line, irrigation, drinking water canals, roads, railways, they are also been, now powers for approval are empowered to regional empowered committees. And automatic approval for 220 kV transmission has been extended to all transmission lines. आज एक एनजीटी का फैसला आया है, उसमें हमारा यानी एक्स पार्टी स्टे है, तो हम हमारी भूमिका एनजीटी के सामने बहुत जोर से और ठीक तरीके से रखेंगे। हमें उम्मीद है कि वो स्टे वेकेट होगा, क्योंकि उसमें यही था केवल एक कि एनपीवी के पैसे भरने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू और कैंपा एफॉरेस्टेशन के कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन के पैसे भरने के बाद जब पहला अप्रूवल होता है तो उसके बाद तुरंत वो काम शुरू कर सकते हैं। दे शुड नॉट वेट टिल सेकंड फाइनल अप्रूवल, दैट वाज द इशू। बट उसमें एक्स पार्टी स्टे आया है, विल रिप्रेजेंट, वी आर श्योर विल गेट। फैसिलिटेटिंग फास्टर इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशन ग्रोथ, इसमें हमने ये किया है कि इंडस्ट्री और एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स है उनको 20,000 से ज़्यादा अगर मीटर्स 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा अगर उनका है तो उनको यहाँ आना पड़ता था। अब हमने उसको स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना रहे, नया ONM इशू कर रहे, वो ONM के साथ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के साथ ही उनको उसका पालन करना पड़ेगा और उसका इंस्पेक्शन हम भी कर सकते हैं। तो विद दैट प्रोविजन वी हैव गिवन देम दैट दे नीड नॉट कम हियर। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का कल ये एक इरिगेशन में एक बहुत दुविधा थी, 2000 हेक्टर तक बढ़ाया है कल्चरल कमांड एरिया, बट इट्स यानी छोटे बांध बांधने में भी बड़ी दिक्कतें आती थी और सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ आते थे। नाउ दे आर ऑन स्टैंडर्ड अगेन। देन प्रोटेक्टिंग, वो आगे चलो, प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग क्लीनर एनवायरनमेंट, उसमें ये किया है कि जो आपको पता है कि सीमेंट के नॉर्म्स मोर स्ट्रिंजेंट किए हैं, 17 क्रिटिकली पोल्यूटिंग सेक्टर्स में 3,206 यूनिट्स को हमने कहा है कि 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस एट देयर एफ्लुएंट डिस्चार्ज पॉइंट एंड एट देयर चिमनी लगाने हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पहले लॉन्च किया था, अभी लोगों के कमेंट्स आए हैं, अब फाइनल लॉन्च करेंगे, बट 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन 1 कोड वो सब रहेगा उसमें। और कोल पर सेस डबल हुआ है और कैंपा का भी वैसे है, तो उससे दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज कैंपा। इसमें हम नई बात यह है कि 3-4 बार कोर्ट में ये मसला गया। आज हमारे पास लगभग 38,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं, इसका 90% हम राज्यों को देना चाहते हैं और 90% में हम, लेकिन फिर बार बार कोर्ट से कोई आशंकाएं व्यक्त होती थी, तो इन आशंकाओं को निराकरण करने के लिए हम कैंपा के लिए एक अमेंडेड बिल लाएंगे, अमेंडमेंट का बिल लाएंगे और इसी सेशन में लाएंगे ताकि क्लैरिटी रहेगी, फिर कोर्ट को भी दिक्कत नहीं होगी। मुद्दा इतना ही था कि अभी फंड एक तीसरे अकाउंट में रहता है, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जनरल अकाउंट सारा ट्रेजरी में जमा होता है, तो वो, और दूसरा होता है एक पब्लिक अकाउंट यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करने वाला अकाउंट, तो ये पैसा वहाँ पब्लिक अकाउंट में रहेगा। ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन करने वाला कानून अगर बनाने की जरूरत है तो हम बनाएंगे और इसी सप्ताह इसी इसमें। नेक्स्ट इज रिवर गंगा का, आपको मालूम है गंगा के सारे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और डोमेस्टिक वेस्ट यानी सीवेज वाटर और वेस्ट, इसके सभी प्रोजेक्ट्स अभी हर एक राज्य से बात करके स्ट्रीमलाइन हुए हैं और वो अभी उमा जी देख रही है, तो इसलिए हम उसमें बातों की भूमिका करते हैं, सहायक भूमिका करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। आपको पता है सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा बाघ हमारे पास है, 2,226, 4 साल में 30% बढ़ा, और हमने इवन काजीरंगा में भी 3,000 से ज़्यादा ये हुए हैं सिंगला हॉर्न राइनो, तो ये हमारा एक बहुत बड़े स्टेप्स है, उसका भी बखान है इसमें। फिर जो है GIS बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, हम एक नए एम्बिशियस स्कीम है, ये जस्ट स्टार्ट है कि GIS के आधार पर और अलग अलग राज्यों ने भी अच्छे काम किए हैं। अब हम जंगल में हुए छोटे काम को या अवैध कटाई को भी पकड़ सकते हैं और पूरे कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है, कुछ में नहीं है। तो हम अवैध कटाई से लेकर हर कोस्टल का और फॉरेस्ट का सबका निगरानी एक तरह से अंतरिक्ष से करें, जीआईएस बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, इसकी हमने शुरुआत की है। बजट में और भी कुछ घोषणाएं हो सकती है और उसके बाद हमने आगे और बढ़ना है, जिससे एकदम मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा पूरे वाइल्ड लाइफ फायर का भी, और जंगलों में आग लगती है उसका भी, नहीं तो पता ही नहीं चलता अनेक दिन, वो नहीं होगा। दूसरा, इको सेंसिटिव जोन की प्रक्रिया हमने शुरू की है, लगभग 137 हमारे इको सेंसिटिव जोन ये चले गए हैं, हमने अप्रूव किया है और वो 2 महीने के जन सुनवाई के लिए विभिन्न स्टेज पर है, जैसे जैसे हो रहे नोटिफाई और फिर फाइनल नोटिफिकेशन इशू होगा। फिर लीमा में जो हमने किया उसकी तो बुकलेट आपको दिया है पहले भी, तो आप सब जानते हैं और आप सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा उसमें। कन्वेंशन ऑन सीबीडी, हाँ ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, अब एनबीए के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया हमने शुरू की है, वो जल्दी होंगे और एनबीए पूरी सक्षमता से काम करेगी। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का भी हमने दुनिया में जो कहना है। अब लास्ट है एजेंडा 2015, ये महत्वपूर्ण है। एजेंडा है हमारी प्रक्रियाओं में और पारदर्शिता लाना और सभी यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के गाइडलाइंस तैयार करना हर सेक्टर के लिए। 34 इंडस्ट्री का होमवर्क हमारा पूरा हुआ है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का, बाकी का भी हम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस इवॉल्व कर रहे हैं ताकि एवरीबडी विल नो व्हाट आर द गाइडलाइंस। हर बार नया नया चिट्ठी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोर स्ट्रेस ऑन कंप्लायंस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज तक लोग मुझे मिलते थे और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कहते थे कि साहब कुछ भी कंडीशन डालो, ऑफिसर्स को भी हमारे मिलते लोग, वो कहते हैं साहब कंडीशन कुछ भी डालो लेकिन परमिशन दो, क्योंकि वो डिले से तंग थे। हमने ये किया, डिले नहीं होगा लेकिन कंडीशन कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन जो डालेंगे उसका 100% पालन करना पड़ेगा। कंप्लायंस विल बी द मेन स्टे ऑफ माय मिनिस्ट्री हेंसफोर्थ। रियल टाइम इंस्पेक्शन, उसके लिए सैटेलाइट और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस करेंगे, पब्लिक कैंपेन्स करेंगे, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन इन रिवर एंड लेक डेवलपमेंट वो करेंगे। प्रायोरिटी विल बी गिवन टू ग्रीनिंग ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अभी हमारे क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को हम कहते हैं कि नई जमीन खरीद के दे दो फॉरेस्ट के बाहर की, लेकिन फॉरेस्ट की ही लाखों हेक्टेयर जमीन, करोड़ों हेक्टेयर जमीन डिग्रेडेड है, तो उसको पहले ग्रीन करेंगे। Bringing in time-bound disposal of applications, फिर provide ease of doing business through standard guidelines, जैसे मैंने कहा, putting India stand for Paris के लिए बहुत तैयारी हम कर रहे हैं, INDCs तैयार हो रही है और दुनिया के सभी देशों के साथ हम इस साल चर्चा करेंगे और पेरिस में हमारी भूमिका बहुत मजबूती से हम रखेंगे। नेक्स्ट, हाँ एक रहा इसमें स्लाइड, वो भी तुरंत ऐड की जाएगी। हम पब्लिक 5 तरह के पब्लिक कैंपेन्स बिल्टअप कर रहे हैं। पहले बिल्टअप कर रहे हैं कि अर्बन ग्रीन्स, अर्बन ग्रीन में शहरों में लोगों के सहभागिता से वनों का निर्माण जंगल जमीन पर, एक उसकी डिटेल्स बाद में बताएंगे। फिर दूसरा है बड़ा कैंपेन कि प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया, इसमें स्कूल के बच्चे और बाकी सारे यूथ उसमें जुड़ेंगे। 20 शहरों में जहां एयर का पोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम है, वहां फ्रेश एयर माय बर्थ राइट, इस तरह का एक कैंपेन युवाओं से जोड़ के हम करेंगे। और हम लेक और रिवर रिस्टोरेशन और क्लीनिंग में भी लोगों का सहभाग लेंगे। तो इस तरह से 4-5 मुद्दे और सेव वाटर सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये कंजर्वेशन की जो स्कीम है उसको भी जीवित करेंगे। तो एक तरह से पर्यावरण के विषय में मैं 1-2 वाक्यों में कहूँगा, जो मिनिस्ट्री आज तक स्पीड ब्रेकर और रोड ब्लॉक मिनिस्ट्री मानी जाती थी, वो अब फैसिलिटेटिंग मिनिस्ट्री होगी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा हम बदल रहे हैं कि जो लाइसेंस परमिट कोटा राज की मिनिस्ट्री थी, ये मंत्रालय लाइसेंस कोटा परमिट राज का मंत्रालय माना जाता था, हम इसका रूप बदल के लोगों के सहभाग का मंत्रालय बनाएंगे। लोगों के सहभाग से पर्यावरण की योजनाओं को आंदोलन में बदलाव करेंगे, ये है। और लास्ट में जो ई बुक आज दिया है, इसकी 3-4 विशेषताएं, जैसे वो ऑडियो बुक है वैसे ये मोबाइल पे भी तुरंत दिखेगा, विंडोज, iOS और एंड्रॉयड किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे तुरंत उपलब्ध होगा और यू कैन रीड। 1-1 पेज शेयर कर सकते हैं। और इसके अंत में हमने एक इवेंट्स वॉल लगाया है, जैसे जैसे हमारे इवेंट्स होंगे मंत्रालय के और कैंपेन जो करेंगे उसमें वो सब लगाते जाएंगे वो। और 1 आधा फोटो लगाओ, जरा क्लिक करो, कोई भी एक फोटो क्लिक करे। हाँ, बड़ा होता है कि नहीं? तो ये होगा। और यूजर कैन जम्प टू एनी पार्ट ऑफ द बुक, ये बहुत बड़ा बुक है ही नहीं, बेसिकली कितने 20-25 पेज है, हाँ 20 पेजेस ही है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन किसी को जाना है तो कंटिन्यूअसली इंडेक्स दिखेगा, तो इंडेक्स से जिस पेज पे जाना है वो जा सकता है। और ये जो वीडियो है, ऑडियो है, वो इनबिल्ट है, उसके लिए वीडियो लिंक पे नहीं जाना पड़ता। सो इट्स इन दी ई बुक इटसेल्फ। और ये शेयर कर सकते हो ट्विटर पे, फेसबुक पे, गूगल प्लस पे। तो ऐसे विधाओं के साथ ये ई बुक हमें लॉन्च करते हुए एक तरह से 9 महीने का रिपोर्ट, और 9 महीने महत्वपूर्ण होते ही है, तो उसके लिए हमने आज ये रिपोर्ट पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि लोग इसको पसंद करेंगे, वो यूज करेंगे, दुनिया भर में दिखेगा, क्योंकि यूनिवर्सल फॉन्ट्स लगते हैं।